बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। एक किलो कीमा, लेमन जूस 4 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून पीसी हुई सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 मीडियम साइज प्याज, 1 घंटा हो चुका है। अब मैं कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए आपको एक प्याली में पानी चाहिए, एक सीख चाहिए। अगर सीख नहीं है आपके पास तो आप सिंपली स्ट्रो से भी कबाब बना सकते हैं। मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब मैं इसको पैन में ट्रांसफर करती हूँ। व्यूअर्स, पैन में मैंने घी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें कबाब ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। व्यूअर्स, 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक करें। अब इसकी फ्लेम मीडियम करके इसको कवर करके पकाएं। ऑलमोस्ट कबाब रेडी है। 5 मिनट में इसको और दूंगी, घी सेपरेट हो जाए। अब मैं इसको कवर नहीं करूंगी हाई फ्लेम पे, मैं इसको कलर दूंगी। व्यूअर्स, कबाब रेडी हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ।
व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन, इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। ये है मेरे पास प्याज रिंग्स में कटे हुए, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इस पे विनेगर, थोड़ा सा सिरका लगाएं, जस्ट 2 pinch ऑफ सॉल्ट, और ब्लैक पेपर इस पे स्प्रिंकल करें। अब इसे आप लो फ्लेम पे लाइट सा कलर दे दें। प्याज भी सोटे हो चुके हैं, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। गोला कबाब रेडी हैं, पुदीने की चटनी के साथ ये सर्व होते हैं। आप इसको ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।